दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। महानगर पालिका प्रशासन की ओर से महानगर के सभी प्रभागों की सफाई नियमित कराने के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति की है। उपेक्षित प्रभागों की सफाई के नाम पर ठेका मजदूरों के अलावा अन्य मजदूरों की नियुक्ति भी सफाई के लिए की गई है। महानगर के 20 प्रभागों की सफाई के लिए मनपा प्रशासन हर माह करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इन करोड़ों रुपयों के खर्च के बावजूद भी शहर की सफाई नहीं हो रही। कोरोना रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना का टीका लेना आवश्यक है। इस कड़ी में RLT विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थियों की टीम ने शहर के IMA हॉल तथा मनपा के सामने गांधी चौक में पथनाटिका के जरिए टीकाकरण के संबंध में जनजागृति की। जिले की 15 ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले 38 गांव अब भी ऐसे हैं, जहां पर शासन की ओर से अक्टूबर माह में ब्लीचिंग पाउडर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण उन क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। यह खुलासा आरोग्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। बालापुर तहसील के गाय गांव में जिले का सर्वाधिक टीकाकरण पूरा हुआ। सर्वाधिक टीकाकरण के लिए आशा व आंगनवाड़ी सेविकाएं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी का जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने अभिनंदन करते हुए जिले के अन्य गांवों में भी इसी तरह टीकाकरण की गति बढ़ाकर 100% टीकाकरण के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय अनुसंधान प्रकल्प परिसर में वन्य प्राणियों का आवागमन बढ़ गया है, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। इन वन्य प्राणियों का सबसे अधिक नुकसान अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधान पर हो रहा है। बीते 3 वर्ष में वन्य प्राणियों ने विश्वविद्यालय परिसर के कुल 215 हेक्टेयर की फसलों का नुकसान करने की जानकारी है। अंततः देर से ही सही महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग रचना का कच्चा ढांचा तैयार हो गया है। मनपा प्रशासन ने ब्यौरा राज्य चुनाव आयोग की ओर भेजा है, जिससे मनपा पार्षदों के दिलों की धड़कने तेज हो गई है। पार्षद तथा इच्छुकों की निगाहें प्रभाग रचना के मूल कार्यक्रम की ओर टिक गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद अकोला वाशिम बुलढाणा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2021 के लिए मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहकर निर्वाचन आयोग की जारी सूचनाओं का पालन करें तथा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अलर्ट रहें, ऐसे निर्देश निर्वाचन आयोग के निरीक्षक डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे जी ने दिए। पातूर तहसील के ग्राम आगीखेड में 2 लोगों ने खेतों में गांजे के पौधे लगाए हैं तथा गांजे की बिक्री कर रहे हैं, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को मिली। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अकोला शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के ठीक सामने लगे जय जवान जय किसान एवं समीप ही गाय बछड़े का पुतला इन दिनों अपनी जगह से नदारद नजर आ रहा है। कहने के लिए तो वहां से रास्ता बनाए जाने के कारण पुतलों को हटाया गया है, लेकिन उन पुतलों को कहां रखा गया है? क्या वो पुतले दोबारा किसी चौराहे या मुख्य रास्ते की शोभा बढ़ाएंगे, या उन्हें भी किसी कोने में रख दिया जाएगा? स्थानीय रानी सती धाम में शनिवार को मंगसर बदी नवमी के पावन पर्व पर रानी सती दादी के 2 दिवसीय उत्सव में 56 भोग दर्शन कार्यक्रम का श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लाभ लिया। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।